रीवा मध्य प्रदेश में विगत दिनों रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे सांसद जी ने बयान दिए हैं जिससे कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। नारी शक्ति के अपमान एवं आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले सांसद रीवा के विवादित टिप्पणी बर्दाश्त योग्य नहीं। कोठी कंपाउंड शिव मंदिर में नारी शक्ति द्वारा एकत्रित होकर थाली बजाकर सांसद के बयान का विरोध किया। वहीं नारी शक्ति कांग्रेस रीवा सांसद से माफी मांगने की अपील की है। आइए दिखाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। देव चुनाव से आप विधानसभा चुनाव भी लड़ी में, और उसके पहले भी दो बार आप विधायक रह चुकी हैं गुड़ से, और कल संसद सदस्य ने उन्होंने एक महिलाओं के खिलाफ जो टिप्पणी की, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, हर दल में महिलाएं काम कर रही हैं, घर परिवार को की जिम्मेदारी भी निभाती हैं और बाहर भी आकर के काम करती हैं। केवल कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भी जो दल हैं, सभी जगह महिलाएं काम करती हैं। लेकिन अगर इस तरह से सांसद जी का रवैया रहेगा महिलाओं के प्रति, तो इससे महिलाएं बहुत दुखित हैं। और आने वाले समय में एक तो ये होगा कि भाई यदि हम बाहर निकलते हैं तो हमें अनाप शनाप कहा जाता है। ये हर दल के महिलाओं का अपमान है, केवल कांग्रेस के महिलाओं का नहीं है, पूरी महिला समाज का अपमान है। और इनको आधी आबादी महिलाओं की है और उन्होंने भी वोट देकर के इनको सांसद बनाया है, लेकिन सांसद बनने के बाद में जाने इनको इनकी बुद्धि को क्या हो गया है कि अनाप शनाप कुछ भी बकते जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों का आज ये कविता दीदी के नेतृत्व में छोटा सा ये प्रदर्शन था। इसके बाद और रणनीति बनेगी। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग इसको बड़ा आंदोलन करने की प्रयास करेंगे और इनके खिलाफ बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और बहुत दिनों से राजनीति में जुड़ी हुई है, इस तरह की जो टिप्पणियाँ आती रहती है आए दिन, कांग्रेस पार्टी इसके बारे में क्या कहती है? कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, हम महिलाओं का कहना है और कांग्रेस पार्टी का भी कहना है, सांसद जी आए दिन ऐसा बयान देके कुर्सियों में रहना चाहते हैं, हमेशा गलत सलत बयान देते हैं, जिंदा आदमी को वो मुर्दा बना देते हैं। हम आज कविता दीदी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग ये आप लोगों के माध्यम से सांसद जी से ये कहना चाहते हैं कि सांसद जी अगर वास्तव में सठिया गए हैं तो अपने पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो अभी तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा भगवान शिव मंदिर के सामने उनको सद्बुद्धि देने के लिए यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर वो नहीं अपने आदत से वाज आते तो हम लोग रीवा ज़िले के हर कोने कोने में गांव-गांव में जाके सांसद जी जहाँ भी जाएंगे उनको काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। ऐसी क्या वजह हुई कि महिलाओं के खिलाफ आपने मोर्चा खोली सांसद के खिलाफ? रीवा जिले के सांसद जनार्दन मिश्रा जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कल उन्होंने कहा कि महिलाएं शराब पीती हैं, 15-16 साल की लड़कियां कोरेक्स पीती हैं, शराब पीती हैं, चाउमीन खाती हैं, इसीलिए बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। मैं पूछती हूं कि आखिर उनके परिवार में उनकी उनके घर की महिलाएं शराब पीती हैं या उनकी जो मातृ संस्था भारतीय जनता पार्टी का ऐसी संस्कृति है क्या? जब वो पार्टी विथ डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या उनका यही मतलब है कि उनके यहाँ शराब पिया जाता है? यदि मध्य प्रदेश में कुपोषण नंबर वन रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी? विगत 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। मैं ऐसे सांसद की निंदा करती हूं। पूरी नारी शक्ति आज एक साथ खड़ी है, बेलन लेके रीवा जिले की महिलाएं यहां पर उतरी हुई हैं और उनसे सांसद जी से मैं साफ साफ स्पष्टता के साथ कहती हूं कि अपना बयान वापस लें। उन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया है, उस बयान को वापस लें और माफी मांगे, और नहीं तो हम लोग उनके घर धावा बोलेंगे, आंदोलन करेंगे और उनको उनको वापस लेना पड़ेगा। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अनुरोध करती हूं कि ऐसे
विक्षिप्त सांसद से माफी मंगवाए। आप सबको याद है कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक बार एक डॉक्टर साहब जो कि बहुत अच्छे हैं, दीर्घायु हैं, शतायु हैं, उनके उनकी मृत्यु की भी बात की थी। तो ये लगातार ऐसे तरीके से बात करते रहते हैं। और नारी शक्ति हमारी जो देश की अस्मिता को, संस्कृति को सुरक्षित करती है और जिसका हम आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, और नारी शक्ति के कारण ही आज चाहे गांधी जी की बात हो, चाहे शिवाजी की बात हो, यदि ये अपनी माताओं के कारण है तो आप ऐसी माताओं के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। 15-16 साल की कौन सी लड़की शराब पीती रीवा में, मुझे एक लड़की का नाम बता दो, मैं राजनीति से संन्यास लेने छोड़ दूंगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हाँ, हो सकता है कि इनकी भारतीय जनता पार्टी जो परिवार है उस पर पीती हूँ, इसलिए इनके अनुभव इसी टाइप के होंगे। अगर तो पालन जिस तरह आपने आज अपने थाली बजा के किया और इससे इसके बाद क्या करेंगे? हम उनसे माफी मांगने का, पूरी नारी शक्ति पूरे रीवा जिले की बाहर निकली हुई है, एक एक औरत, एक एक महिला उनसे साफ साफ कह रही है कि आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और मोदी जी माफ़ी मांगे, क्योंकि उनके सांसद लगातार नारी का अपमान कर रहे हैं और नारी का अपमान हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर रहे। आने वाले भविष्य में क्या किया है? हम शंकर भगवान के दरवाजे में खड़े हैं। हमने भगवान से भी कहा है कि इस सांसद को सद्बुद्धि दे भगवान, ताकि जो अनाप शनाप वक्त हैं उनको, हो सकता है उनको मानसिक असंतुलन हो, कोई बीमारी हो, उनका इलाज कराना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवन किया है झोला मंदिर में, इसी वजह से निश्चित रूप से उनको सद्बुद्धि दे, सभी को, आपको भी, हमको भी, पूरे रीवा जिले के 25 लाख जनता को हवन करके सद्बुद्धि की मांग करना चाहिए, ताकि उनको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। और कम से कम महिलाओं का अपमान करने की जो इन्होंने कोशिश की है, उसकी मैं बहुत निंदा करती हूँ। उक्त बयान से यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति अमर्यादित एवं भाव नहीं रखती। बेलन और चौकी को बजाते हुए सांसद का शिव मंदिर कोठी कंपाउंड में महिलाओं ने एकत्रित होकर विरोध किया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट।